कर्नाटक सरकार से दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के साथ ही सूबे की राजनीति में शह और मात का खेल फिर शुरू हो गया है। दोनों निर्दलीय विधायक अब बीजेपी के साथ खड़े हैं। वहीं मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का सीधा आरोप है कि साथ छोड़ने वाले विधायकों को 50 करोड़ कैश और मंत्री पद का लालच दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार से दो निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। साथ छोड़ने के बाद निर्दलीय विधायक आर शंकर ने कहा कि आज मकर संक्रांति है और इस मौके पर हम सरकार में बदलाव चाहते हैं। राज्य में प्रभावी और कुशल सरकार होनी चाहिए, लिहाजा आज मैं कर्नाटक सरकार से अपना समर्थन वापस लेता हूँ। समर्थन वापस लेने वाले दूसरे निर्दलीय विधायक एच नागेश ने कहा है कि इस गठबंधन सरकार को मेरा समर्थन अच्छी और स्थिर सरकार के लिए था, लेकिन सरकार ऐसा कर पाने में नाकाम रही। गठबंधन के सहयोगियों में कोई तालमेल नहीं है, लिहाजा एक स्थिर सरकार के गठन के लिए मैंने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है। इनके अलावा कांग्रेस के भी कुछ विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पार्टी के संपर्क में नहीं हैं। हालांकि कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं का दावा है कि विधायक उनके साथ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि बीजेपी इस मुगालते में है कि वो सरकार गिरा देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। They can't dislodge this government. They are in illusion. The BJP people are always after power. They are not respecting constitution. They don't have belief in the democracy. They are always, trying to topple the government. They wanted the power. Mr. Yediyurappa wanted to become a chief minister before this parliament election. It is going to be a dream. It is not possible. सीएम कुमारस्वामी का भी आरोप है कि विधायकों को करोड़ों रुपयों और मंत्री पद का लालच दिया जा रहा है, लेकिन दो विधायकों के समर्थन वापस लेने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If two MLAs, independent MLAs, withdraw the support, what will be the numbers? 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस जेडीएस के पास फिलहाल 118 सदस्यों का समर्थन है, लेकिन दो निर्दलीय विधायकों के साथ छोड़ने से उस पर दबाव जरूर बढ़ गया है।